आगे बढ़ेंगे। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने घर से ही लगातार बैठकें कर रहे हैं और सरकारी कामकाज निपटा रहे हैं, लेकिन मिड डे मील कांड में 23 बच्चों की भी मौत के बाद सामने नहीं आ रहे। तो छपरा के धर्मासती गांव भी नहीं पहुंचे हैं, जहां के 23 बच्चों ने सरकारी निवाला खाकर दम तोड़ दिया था। और इतना ही नहीं, वो अपने आवास से महज 5 किलोमीटर दूर पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती बीमार बच्चों को देखने के लिए भी नहीं निकले। नीतीश के पैर की एक उंगली में फ्रैक्चर होने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि अगर फ्रैक्चर भी है तो भी मीडिया से मुखातिब होकर नीतीश कम से कम अपनी बातचीत तो आम जनता तक पहुंचा ही सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने इसकी भी जहमत नहीं उठाई है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 19 जुलाई और 18 जुलाई की ये तस्वीरें हैं। एक तरफ अस्पताल में 23 बच्चे अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं, 23 मासूमों की मौत भी हो चुकी है मिड डे मील की वजह से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार चुप हैं और ये उनकी चुप्पी न सिर्फ विपक्ष को बल्कि बिहार की जनता को भी इस वक्त चुभ रही है। सीधे रुख करेंगे पटना का, विनायक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनायक, मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल मैं पूछूं, उसके पहले ये बताइए जो मासूम 23 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं उनकी हालत कैसी बनी हुई है? उनके इलाज में जहां तक बात कही जा रही चित्रा की, उनके इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और बच्चों की हालत में सुधार है। और जैसा कि देखिए कि पीएमसीएच की व्यवस्था कितनी लचर है, कल वहां एसी के गैस लीक हो गए, अफरा तफरी मच गई, शॉर्ट सर्किट हो गए, ये हालात है शिशु वार्ड के जहां वो बच्चे भर्ती है जहां पर जिनका इलाज कराया जा रहा है। और जहां मैं मौजूद हूं यही मुख्यमंत्री का आवास है, एक अन्य मार्ग, और यहीं से मुख्यमंत्री अगर पीएमसीएच चले गए होते, चूंकि मंगलवार की रात्रि से बच्चे वहां जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास इतना वक्त नहीं है। मुख्यमंत्री की बैठकें लगातार चल रही हैं, फिलहाल कम से कम जो बात कही जा रही है, जो उनकी मॉनिटरिंग की बात कही जा रही है, मुख्यमंत्री कम से कम मीडिया से मुखातिब होते, अब ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। इस हालत में मुख्यमंत्री चुप है और कहते हैं कि सुशासन की व्यवस्था है, सरकार सुशासन की, और समाज का अंतिम व्यक्ति भी न्याय प्राप्त करता है। अगर समाज का अंतिम व्यक्ति न्याय प्राप्त करता है, इनके सुशासन के फलसफे में शामिल है, तो वो बच्चे आज किसके गुनाहगार हैं, इसका जवाब मुख्यमंत्री के पास नहीं। लेकिन उनके इलाज में जो दावे हैं, दावे प्रति दावे जरूर किए जा रहे हैं। विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है और खासतौर पर आरजेडी को एक बड़ा मुद्दा मिला है बिहार में फिर से खुद को जिंदा करने के लिए। तो सूबे के सभी जिलों के मुख्यालय में आरजेडी बाकायदा धरना शुरू कर दी है और उनके नेता हर जगह जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां तो मुद्दे को उठाएंगी ही, नहीं रहेंगी है चित्रा जी। लेकिन विनायक, सवाल ये उठता है कि 5 दिन बीत चुके हैं और मुख्यमंत्री के पास इतना वक्त भी नहीं है कि कम से कम 23 मासूम जो जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कम से कम उनसे जाके मुलाकात कर सके, उस गांव का दौरा कर सके, क्योंकि उन्हें ज्यादा दौड़ने और तेजी से चलने की जरूरत भी नहीं है। मुख्यमंत्री हर जगह अपनी गाड़ी से जाते हैं, एक पूरा का पूरा काफिला होता है, बावजूद उसके उंगली में फ्रैक्चर है, इस वजह से अपने घर से बाहर नहीं निकलना, ये क्या दर्शाता है? क्या पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुके हैं नीतीश कुमार? और इस घटना के सामने आने के बाद कम से कम यही तस्वीर उभर कर बिहार के सामने आ रही है। अब बिल्कुल चित्रा, जहां तक उनके संवेदनहीनता के सवाल करें तो खासतौर विपक्ष ने जो आरोप लगाया है वो आरोप ये है कि 27 अगस्त 2012 को जब वो खगड़िया में थे अपने सेवा यात्रा के दौरान, तो वहां जनता उनसे उलझ पड़ी थी और जनता का भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा था। अफरा तफरी में बख्तरबंद गाड़ी में नीतीश कुमार 27 अगस्त को खगड़िया के मैदान पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपने सेवा यात्रा के दरमियान जनता को संबोधित किया था। ये हालत थी उनके सुशासन की व्यवस्था की। डीजीपी की कार क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे खगड़िया में, बेगूसराय में उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। अगर कम से कम अगर उनके जहन में अगर एक खौफ है तो पटना में वो है, पटना में उनकी पूरी हुकूमत है, पूरी सरकार चलती है, उनका निजाम यहाँ है। तो मुख्यमंत्री जी, 5 किलोमीटर की दूरी अगर हेयरलाइन फ्रैक्चर है उनकी छोटी उंगली में पैर के, तो कम से कम पहुंच सकते थे, बच्चों का हालचाल ले सकते थे। वो खौफ उनके जहन में, विपक्ष भी यही बात कह रहा है कि इसी कारण से वो धर्मासती नहीं पहुंचे, छपरा नहीं गए, मसरक नहीं गए, तो ये तमाम बातें हैं। लेकिन खास तौर पे वैसी सरकार जो इतने बड़े जनाधार के साथ खड़ी होती हो, जिनका जनाधार इतना विशाल हो, वो खौफ में जिए, अपने आवास पे रहे, अपने आवास में हर रोज कम से कम 5 से 7 घंटे बैठ के करें। बिल्कुल, सवाल यहाँ पर कई खड़े हो रहे हैं और नीतीश बाबू को कम से कम ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी जनता के पास हर 5 साल के बाद उन्हें जाना है, और अगर इस तरह की संवेदनहीनता का वो परिचय देंगे तो चुनावों में जनता उन्हें सबक भी सिखाएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विनायक, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे।